एसीएल सर्जरी के बाद लाइफ कैसी रहती है दोस्तों? क्या होता है एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में, एक महीने में, दो महीने में? आज हम इसी बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु वोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्कोप बॉम्बे बेंगलोर गुड़गांव। तो दोस्तों, एसीएल सर्जरी बड़ी कॉमन सर्जरी है, बहुत सारे डॉक्टर्स एसीएल सर्जरी करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास एसीएल सर्जरी करने के लिए। हम लोग रोज तीन चार एसीएल सर्जरीज करते हैं, तो बहुत ही कॉमन एसीएल सर्जरी होती है। सो आखिर आपकी एसीएल सर्जरी कराने के बाद कैसी लाइफ होने वाली है, आज हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सब जानते हैं कि एसीएल लिगामेंट होता है घुटने में, कई बार वो टूट जाता है, खेलते समय टूट जाता है, चोट लगने से टूट सकता है, एक्सीडेंट से टूट सकता है। और एक बार वो टूट जाता है तो आपको घुटने में लचक आती है, पांव इस तरह से घुटना आपका हिलता है। एसीएल ये लिगामेंट होता है जो आपके नीचे वाली हड्डी को ऊपर वाली हड्डी से ऐसे जोड़ता है और टूटने के बाद वो हिलता रहता है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे घुटना घिस जाएगा दोस्तों, आपके कार्टिलेज खराब हो जाएंगे, आपके मेनिस्कस फट जाएंगे। तो बहुत सारे लोग इसकी सर्जरी जल्दी करा लेते हैं, कुछ कुछ लोग सर्जरी नहीं कराते, उनको लगता है शायद अपना आप ठीक हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कोई दवा आ जाए जो हमारे एसीएल को ठीक कर दे। पर धीरे धीरे ओवर द ईयर्स घुटना जब घिसता रहता है तो वो कार्टिलेज जो मेनिस्कस को डैमेज करता है और सीवियर पेन होने लगता है, तब हमारे पास लोग आते हैं एसीएल सर्जरी के लिए। मैं एसीएल की इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप सर्जरी करता हूँ। इसके अंदर हम आपके एसीएल लिगामेंट को आप ही के हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाते हैं। हमने आप ही के हैमस्ट्रिंग टेंडन से एसीएल बना दिया और ACL बनाने के बाद उसको ऊपर और नीचे हमने बटन से फिक्स किया फीमर और टीबिया में, और बटन टू बटन हमारा जाता है फाइबर टेप जो आपके नए लिगामेंट को बचा के रखता है। अब फाइबर टेप की ज़रूरत इसलिए आती है दोस्तों क्योंकि जो नया लिगामेंट होता है वो 6 महीने तक कमज़ोर रहने वाला है। 45 डेज लगते हैं नए ग्राफ्ट को बोन से चिपकने में और उसको मजबूत होने में लगते हैं 6 मंथ्स। तो कोई चीज़ अगर आपके घुटने में 6 महीने तक कमज़ोर पड़ी हुई है और आप उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। 45 डेज तक आपको ब्रेस लगाना पड़ेगा, आपको वजन नहीं देना, वॉकर से चलना है इनिशियली 3 to 6 वीक तक, फिर धीरे धीरे वजन देना है, धीरे धीरे नी बैंड करनी है। अगर आप जल्दी नी बैंड करेंगे, आप सर्जरी के बाद एकदम से पाँव दे दोगे तो लिगामेंट ढीले हो सकते हैं। तो जो बायोस्कुलर सर्जरी होती है उसमें इंटरनल ब्रेस नहीं होता है, तो उसमें ये सब प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। इसीलिए बैक टू रनिंग जाने में कम से कम 6 मंथ्स लग जाते हैं और जॉगिंग करने में 3 मंथ्स लग जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें लाइफ ऑफ ए पेशेंट या उन पेशेंट की जिंदगी जिनकी इंटरनल ब्रेस सर्जरी हुई, तो दोस्तों इंटरनल ब्रेस सर्जरी में पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके जो वीक लिगामेंट है, जो 6 महीने तक ग्राफ्ट वीक रहने वाला है, उसमें हमने प्रोटेक्शन दे दिया फाइबर टेप, अब वो टूट नहीं सकता। दूसरा, उसके अंदर हड्डी कम करती है क्योंकि हम फ्लिप कटर यूज़ करते हैं, अंदर जाके खुल जाते हैं, तो फ्लिप कटर यूज़ करते हैं तो हड्डी कम करती है, तो आपको दर्द कम होता है ऑपरेशन बाद। जिस दिन आपकी सर्जरी हुई उस दिन क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा हुआ रहता है, हम बहुत सारे पेशेंट को अपनी सर्जरी दिखा देते हैं। अगर आप देखना चाहोगे तो हम दिखा सकते हैं आपको टीवी में कैसी सर्जरी हुई है, क्या किया। सर्जरी के बाद आपको कुछ घंटे तक कोई पेन नहीं रहता क्योंकि आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया का असर रहता है। उस दिन आप सोते हुए रहते हैं, आपको अपना सर नहीं उठाना होता क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद अगर अपना हेड एलिवेट करोगे तो आपको हेडेक डेवलप हो सकता है। सो ऑपरेशन के दिन पेशेंट ऑपरेशन के बाद सोता हुआ रहता है, तकिया भी यूज़ नहीं करता है। 7-8 घंटे के बाद जैसे जैसे स्पाइनल का असर खत्म होने लगता है तब हल्का हल्का दर्द आने लगता है, आपको पैरों में सूजन रहती है क्योंकि नया ऑपरेशन हुआ है, दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसकी रात को हल्का सा दर्द ज़्यादा रहता है दोस्तों, पर हॉस्पिटल के अंदर सभी तरह की दवाइयाँ मिलती है, हम बहुत सारी तरह की पेन किलर्स देते हैं, आपको सपोर्ट देते हैं, रेस्ट देते हैं, इसीलिए आपको दर्द कम होता है। दूसरा, इंटरनल ब्रेस सर्जरी में एक बात अच्छी है कि इसके अंदर एक्सटर्नल ब्रेस नहीं लगता, मतलब सर्जरी के बाद हम आपको वॉकर नहीं देते और आपको एक्सटर्नल ब्रेस भी नहीं देते क्योंकि हमने अंदर ही इंटरनल ब्रेस बना दिया है फाइबर टेप से। सो आप कंफर्टेबल रहता है पेशेंट, अपना पाँव हल्का सा मूव कर सकता है, करवट ले सकता है। सो आप सर्जरी के तुरंत बाद करवट ले सकते हो, उल्टे सो सकते हो, साइड में सो सकते हो, जैसे चाहो वैसे सो, तो बस आपको सर नहीं उठाना है एक दिन तक। आप पैर तकिए पे रखना चाहे तकिए पे रखो, आप तकिया नहीं रखना चाहे नहीं रखो, आप पैर फोल्ड करके सोना चाहो तो आप फोल्ड करके भी सो सकते हो पहले दिन से ही। अब अगले दिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो आप अपना हेड उठा सकते हो क्योंकि अब स्पाइनल एनेस्थीसिया का वो जो कॉम्प्लिकेशन था कि हेड नीचे रखना है वो 24 घंटे तक ही रहता है, 12 घंटे तक रहता है कभी कभी। सो आप अपना हेड एलिवेट कर सकते हो, तो आप उठ के बैठते हो पहले और पहला कदम रखने से पहले आप कुछ देर बैठे रहते हो ताकि आपको चक्कर ना आए। अगले दिन मॉर्निंग में सबसे पहले पेशेंट बेड पे बैठता है, उसको चाय कॉफ़ी नाश्ता जो भी है वो सब आराम से कर सकता है। दर्द सिग्निफिकेंटली कम होता है इंटरनल ब्रेस सर्जरी में क्योंकि हड्डी कम कटी है और आपको ब्रेस नहीं है तो आप कंफर्टेबली बैठ पाते हो। फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, वो आपको एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। अगर आपका मेनिस्कस रिपेयर नहीं हुआ है या आपका कोई और लिगामेंट की सर्जरी नहीं हुई है, सिर्फ ACL रिकंस्ट्रक्शन या ACL रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस हुआ है, सो आप अगले ही दिन से 90 to 100 degree पैर बैंड कर सकते हो, वो ऑलमोस्ट पेनलेस होता है।
अब बेड के साइड में हम पैर बैंड करा देते हैं, पेशेंट खुद अपनी एक्सरसाइज कर सकता है और अगले दिन से हम पूरा वजन देके चल सकते हैं बिना किसी ब्रेस के। इनिशियली चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, हल्का सा दर्द भी होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है क्योंकि ACL का सर्जरी अभी हुई है, पर फिर भी पेशेंट बिना वॉकर के और बिना ब्रेस के चल सकता है। धीरे 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 चलना चालू करते हैं। आप अपनी डेली एक्टिविटी लाइफ की पहले दिन से ही चालू कर देते हो बिना किसी सपोर्ट के। 7 डेज के अंदर पेशेंट बड़ा कंफर्टेबल होता है, उसका दर्द बहुत ही कम हो जाता है, वो आराम से बैठ के नाश्ता कर सकता है, अखबार पढ़ सकता है, चाय पी सकता है, दिन में घर में घूम सकता है और कंफर्टेबली चल सकता है बिना किसी सपोर्ट के। 15 डेज जब हो जाते हैं दोस्तों, तब आपको अपने टाँके निकलवाने के लिए हमारे पास आना पड़ता है। कुछ लोग अपने घर पे ही टाँके निकलवा लेते हैं, कुछ लोग जिस सिटी में रहते हैं वहीं पे किसी डॉक्टर से या नर्स से आप टाँके निकलवा सकते हो। टाँकों के अंदर स्टेपलर रखते हैं स्टील के, कई बार आप हैंड स्टिच भी लगाते हैं। फीमेल्स आती है उन्हें निशान कम रखने के लिए हम परक्यूटेनियस प्लास्टिक सर्जरी सूचर्स लगाते हैं ताकि निशान ना पड़े। सो अलग अलग तरह के सूचर्स के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, आप उसमें चूज कर सकते हो आपको कौन सा लगवाना है। 15 दिन तक थोड़ी घुटने में सूजन रहती है पर दर्द सिग्निफिकेंटली कम रहता है। 15 दिन में टाँके निकलने के बाद हम धीरे 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 जितना मसल डेवलपमेंट पेशेंट का सर्जरी से पहले उतनी जल्दी वो एक्टिविटी में जाता है। दूसरी बात, क्योंकि हमने पहले दिन से ही पूरा वजन देके चलाना चालू कर दिया, पहले दिन से ही हमने आपको ब्रेस नहीं दिया, पहले दिन से ही आप पैर बैंड कर रहे हो, तो आपकी मसल्स वीक नहीं पड़ती है दोस्तों। जब आपकी मसल्स वीक नहीं पड़ती है तो हम एक्सरसाइजेस एग्रेसिव करा सकते हैं, मतलब 15-20 डेज में हम आपको स्क्वाट्स और इस तरह की बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कराने लगते हैं। अगर आपका मसल डेवलपमेंट अच्छा है, आप एथलीट हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सो 4-5 वीक्स के अंदर हम पेशेंट को जॉगिंग कराने लग जाते हैं। 4-5 वीक्स में कंप्लीट बेंडिंग अचीव कर लेते हैं नी की। ये वो स्टेज है जिसमें आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हो। मोस्टली जो पेशेंट होते हैं इंटरनल वेज सर्जरी वाले, वो 15-21 दिन में 2-3 वीक्स में अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिन हम बोलते हैं आप घर पर रहिए क्योंकि पट्टी लगी हुई है। जब तक आपकी पट्टी लगी हुई है 15 दिन तक, तब तक आपको उस एरिया को गीला नहीं करना। आपको नहाना है पर आपको अपने उस नी को गीला नहीं करना है। आपको आइस पैक्स लगाने हैं, कुछ दिन की आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स देनी है और आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। सभी पेशेंट्स को हम ऑनलाइन एक्सरसाइज सिखाते हैं, सो हमारी टीम आपको 1 या 2 बार वीक में कॉल करती है और आपको ऑनलाइन सिखाती है एक्सरसाइज। इसीलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर पर बैठे बैठे आराम से एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज आराम से इसलिए कर पाते हैं दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अभी वजन नहीं देना है, अभी 10% वजन देना है, अभी 20% देना है, अभी 50% देना है। आप वेइंग मशीन लेके घूमना मुश्किल होता है, आपको क्या मालूम आप कितने परसेंट वजन दे रहे हो। फिर और रेस्ट्रिक्शन आते हैं कि अभी 10 डिग्री पैर मोड़ना है, फिर 20 डिग्री मोड़ना है, फिर 30 डिग्री मोड़ना है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है रेस्ट्रिक्शंस के साथ एक्सरसाइजेस करना। इसके लिए आपको एक गाइडेड फिजियोथेरेपी ऊपर चाहिए होता है, मतलब आपको फिजियोथेरेपिस्ट देखता रहे और फिर बताते रहे हाँ इतना वजन देना है, टो टच करना है, इतना ही नहीं बैंड करना है। जब हम इंटरनल ब्रेस की सर्जरी करते हैं दोस्तों, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले ही दिन से आप अपना 100 डिग्री तक पैर बैंड कर सकते हो, जैसे आप बैठते हो उतना, क्योंकि वो लिगामेंट ढीला नहीं हो सकता इंटरनल ब्रेस लगा हुआ है। फर्स्ट डे से हम पूरा वजन देके चलाते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 50% है। सो इसके अंदर एक्सरसाइजेज में पेन भी कम होता है क्योंकि हड्डियां कम करती है, तो पेन कम हो रहा है और रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सो आप इजीली फॉलो कर पाएंगे ऑर्डर्स को। इसीलिए ऑनलाइन एक्सरसाइजेस सिखाना बड़ा आसान होता है जब हम इंटरनल बेस सर्जरी करते हैं और लोग आराम से फॉलो कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और पेन नहीं है। 1-5 वीक्स के बीच में हम अगर उसकी मसल डेवलपमेंट अच्छी और VMO मसल्स की एक्टिवेशन अच्छा हो रहा है, तो हम धीरे धीरे जॉगिंग चालू कराते हैं। जॉगिंग चालू कराने के बाद धीरे धीरे जो रनिंग प्रोग्राम आता है दोस्तों, वो 3 मंथ्स में चालू होता है। तो 3 मंथ्स में पेशेंट की अगर मसल डेवलपमेंट अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उसका रनिंग प्रोग्राम चालू होता है, मतलब वो रनिंग करने लगता है। सो फास्ट रनिंग करने में उसको 3.5-4 महीने तक लग सकते हैं। अब बात आती है बैक टू गेम की, आखिर बैक टू गेम कब जाया जाए। सो दोस्तों, आपका लिगामेंट 6 महीने तक कमजोर रहने वाला है। इंटरनल ब्रेस की वजह से आपकी रनिंग जल्दी चालू हो गई, क्यों? क्योंकि इंटरनल ब्रेस की वजह से आपने रेस्ट नहीं किया पहले दिन से, तो आपकी मसल डिजनरेट नहीं हुई और एक्टिविटीज बरकरार रही और एक्सरसाइजेज जल्दी चालू कर दी, इसलिए मसल डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ, तो आप 3 महीने में रनिंग कर पा रहे हैं। अगर आप फुटबॉलर हैं तो आप 2.5-3 महीने में हम आपको ग्राउंड में उतार देंगे। तो ग्राउंड में उतारने का मतलब ये नहीं कि आप मैच खेलने लग जाएंगे, ग्राउंड में उतारने का मतलब है कि आप भी फुटबॉल की प्रैक्टिस करेंगे अलोन या फिर अपने एक दोस्त या दो दोस्तों के साथ, ताकि आपको चोट ना लगे। सो 3 महीने के बाद बैक टू गेम नहीं जाया जाता, 3 महीने के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं अपने गेम की। बैडमिंटन वाला बैठे बैठे खड़े खड़े कोर्ट प्रैक्टिस चालू होती है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करानी है, ACL प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस कैसे कैसे करनी है, वो सब हमारी फिजियोथेरेपी टीम और आपके कोच मिलकर डिसाइड करते हैं। सो आप रनिंग कर पाते हैं 3 महीने के बाद, आप अपने गेम की प्रैक्टिस कर पाते हैं, पर जहाँ पर बात आता है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का, मतलब आपको फुटबॉल मैच खेलनी है, आपको प्रो कबड्डी में मैच खेलना है, आपको रेसलिंग का मैच खेलना है, तो वो 5-6 मंथ्स में आप खेल सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका लिगामेंट मजबूत रहेगा।
वहीं अगर कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी हो रखी तो यही चीज़ आपकी 1 ईयर तक आती है। सो इंटरनल ब्रेस सर्जरी में ऑल ओवर वर्ल्ड 50% रिडक्शन मिलता है आपको टाइम का, जो रिहेबिलिटेशन टाइम 50% कम होता है, पेन सिग्निफिकेंटली लेस होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मिलती है, आप जानते हैं कि 6 महीने तक आपका ग्राफ्ट कमज़ोर रहने वाला है, आपके पास क्या गारंटी है कि आप गिरोगे नहीं 6 महीने तक, घर में पानी पड़ा है, एकदम से भागने की ज़रूरत पड़ी, कोई इमरजेंसी आ गया, आप फिसल गया, बाइक चला रहे हो, पाँव रखा ज़मीन पर, कुछ भी करोगे, अगर आप 6 महीने तक आपके घुटने में झटका लगा या आप गिरे तो आपका वीक ग्राफ्ट टूट सकता है। इसीलिए अगर कोई सपोर्ट नहीं रहता तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 6 महीने तक बचा कर रखना बहुत मुश्किल होता है। वहीं अगर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लगाए तो अगर आप गिरते हो या आपको झटका लगता है या हर कदम पर थोड़ा थोड़ा झटका लग रहा है या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, इसमें हर कदम ही आपके लिए झटके जैसा है, तो आपका लिगामेंट ढीला नहीं होता, उसके रिजल्ट आपको बेहतर मिलते हैं। इसीलिए इंटरनल ब्रेस सर्जरी के रिजल्ट आपको जल्दी मिलते हैं, क्विक मिलते हैं, दर्द नहीं होता और बेहतर मिलते हैं। अगर आपको इसके बारे में और कोई भी डाउट है तो आप हमें अपने हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका डिटेल मैं इस टेलीग्राम में बताऊंगा, सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए।